स्टार्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध के बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर। देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम और जो योजना धरातल लाना है और कैसे काज करना है, उसके लिए भाजपा के कई लोग मौजूद हैं और हमारे साथ अभी बोधगया विधानसभा के विधायक डॉक्टर श्यामदेव पासवान जी मौजूद हैं, जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। भारत सरकार के द्वारा जो भी स्कीम आ रहा है उसे जनता तक जो है वो बताया जा रहा है, पटल में लाने के लिए जो है वो लगातार कार्य किया जा रहा है। कहाँ घूम रहे हैं अभी, सो बताइए आप। हम लोग माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का जो 2 जनवरी को जो घोषणा हुआ था और 17 सितंबर का जो विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जो लागू किया कार्यक्रम, उसको हम लोग 18 कामगारों को जो हम लोग लोन दिलाने का जो काम किया जा रहा है, उसके तहत हम सभी लोगों के बीच में जा करके उनको हम CSP और सुविधा केंद्र पर उनको रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको 1 लाख रुपया का लोन मिलेगा और जब वो 18 महीना में 1 लाख रुपया पुनः वो जो लौटा देंगे तो उनको फिर 2 लाख का लोन उनको मिलेगा। 7 दिन का ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग में उनको 2500 रुपया उनको मिलेगा और 1 प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा सरकार के द्वारा। जिला स्तर पर 7 सदस्यीय कमेटी का निर्माण हुआ है, जिसमें जिला के जो जिला पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष रहेंगे, अति पिछड़ा के जो हैं हमारे अध्यक्ष रहेंगे और 1 महामंत्री पप्पू चंद्रवंशी जी हैं और इसके अलावे 3 केंद्रीय स्तर पर वहाँ कमेटी के सदस्य होंगे। तो कुल जिला कमेटी में जो 7 सदस्यीय टीम है वो अनुशंसा करेंगे इसे सभी जो रजिस्ट्रेशन को, और जो रजिस्ट्रेशन का उनका जो अनुशंसा होगा और उसके बाद उनको खाते में 1 लाख रुपया का लोन दिया जाएगा। अच्छा, इस लोन को लेने के लिए क्या क्या जो है वो डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या कागज की जरूरत पड़ेगी ये बताइए। जो अभी जो निर्देश दिया गया उसमें सिर्फ उनको आधार कार्ड लेकर के CSP जो छोटा बैंक है और जो सुविधा केंद्र है वहाँ जाकर के उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और कोई आवश्यकता नहीं, उनको गारंटर बनना है किसी को नहीं और कोई किसी प्रकार का कागज का भी देने का व्यवस्था। किन किन लोगों को ये जो लोन है मिल सकता है, किन किन लोग ये इस चीज का फायदा ले सकते हैं? 18 जो कामगार हैं, जैसे जो पुराने लोग जो थे, जैसे हमारे माली समाज से जो माला बनाते थे, बढ़ी समाज से जो हमारा काठ के जो काम करते थे, लोहार समाज से जो लोहा के काम करते थे, इस प्रकार से जो नाई समाज है जो हम लोग को हजामा बनाते हैं, और जो सोनार है जो सोना का निर्माण करते हैं, जो उसमें कारीगर हैं, जो हमारे दर्जी समाज के लोग हैं जो कपड़ा सीते हैं, इस तरह से 18 कामगार लोग जो हैं, जो हमारा संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रहा था, उसे जो समाज से मुख्य धारा से जो पीछे रह गए थे, जो कमजोर थे आर्थिक रूप से, उनको भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यह सोच रखे कि उनको जब तक हम आर्थिक सहायता नहीं देंगे तब तक वो मजबूत आर्थिक रूप से नहीं होगा। जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को लागू किए हैं और उसको लेकर के खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, एक एक उनके बीच में जा रहे हैं हम लोग और उनको बता रहे हैं और उनको ले जा करके उनको रजिस्ट्रेशन अभी कराएंगे और इसके बाद उनको 1 लाख का लोन उनको दिया जाएगा। देखिए, 18 कामगारों की जो बात है, हम सुनिश्चित तौर पर आपको बता देना चाहता है कि ये गरीब लोग ही हैं, जो नाई है और उसके बाद में फिर जो लोहार है और जो विश्वकर्मा है, ये सब बहुत सारे लोग जो है इसमें आते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है गरीबों का फायदा होने वाला है। देखिए, ये पटल पे कार्य है, एक बात बताइए, इतना बेहतर बेहतर कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, उसके बावजूद विपक्षी आरोप लगाते हैं कि जनहित के लिए मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, गरीब के लिए मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। नहीं तो ये तो देखने की चीज है, जब हम लोग घूर घूर के पूरे घर में जा रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, सुबह से हम लोग निकले हैं और पूरे एक एक जगह जा करके इस चीज को बताए हैं। अभी हम सुविधा केंद्र से लौटे, उनको बताए कि आप बाहर में आप एक बैनर लगा दीजिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का कि रजिस्ट्रेशन इस टाइप से, उनको हम मैंने आग्रह किए हैं, वो बोले हैं कि हम अभी साइड स्लो चल रहा है, इस संबंध में भी हम प्रदेश में बात करेंगे। और निश्चित रूप में जो विपक्ष हम लोग पर आरोप लगा रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर जो 9 साल में लगभग 10 साल पूरने वाला है तो जो काम किए हैं गरीबों के लिए, अगर उनका हम गिनती करेंगे तो घंटों लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर कर दीजिए, वैसे लोग जो इसमें आते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं, उनको बताइए और लाभ लेने के लिए उनको प्रेरित करिए। देखिए, जब गरीबों का विकास होगा तभी देश का भी विकास जो है वो संभव है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। अच्छा, पूरा घूम रहे हैं विधायक जी के साथ में, एकदम प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, क्या मतलब कैसा फीडबैक आ रहा है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस योजना में?
खूब बढ़िया से ले रहे हैं। ले रहे हैं, क्या लगता है कब तक जो है कम से कम फतेहपुर के बहुत सारे लोगों को जो है वो जोड़ दिया जाएगा इसमें? 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर जोड़ दिया जाएगा इसमें, उम्मीद है। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों को जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कैसे प्रेरित करेंगे उनको आप? उनको कार्य बताकर, उनको मैंने सहानुभूति, उनका उनको सहानुभूति देकर, बिल्कुल बिल्कुल उनको। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि टहलाया जाएगा, काम फटाफट होगा ना? फटाफट होगा, होगा ना। आज तक नरेंद्र मोदी जी का कोई काम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का काज बढ़िया। आप लोग जमीनी स्तर के में आप लोग जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे आप लोग जाते हैं, तो आप लोग बेहतर तरीके से गरीबों को सपोर्ट करेगा तब ना ये लाभ ले पाएंगे सही से। सपोर्ट होगा, होगा, और ना होगा तो फिर हम लोग क्यों दौड़ रहे हैं? बिल्कुल 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 है, गरीब को गरीब को अमीर करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल। और मोदी जी का ये सपना है। चलिए, तो इस योजना का जो है वो आप लोग लाभ लीजिए, और जो लोग इस लाभ से वंचित है उनको बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह स्कीम लाया गया है, और आप सभी उनको प्रेरित कीजिए। धन्यवाद, आप देख रहे थे मगध की बंदबाज, और मैं हूं समर राठौर। चलिए।